दोस्तों, जियो की कंपनी ने फाइनली अपने नए बजट सेंट्रिक फ़ोन जियो फोर नेक्स्ट को इंडिया में लॉन्च किया है, जो कि 4 नवंबर से जियो मार्ट और कुछ रिटेल शॉप पे मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जियो फोन का जो कंपैरिजन है इजी प्राइस रेंज के कुछ स्मार्टफोन से करके बताऊंगा कि आप लोगों को क्या जियो फोन नेक्स्ट को बाय करना चाहिए या नहीं। कंपैरिजन जो है वो मेन करके रेडमी 9 और रियलमी C11 2021 स्मार्टफोन से होगा, और एंड में मैं आप लोगों को इस बजट के कुछ एक्स्ट्रा फोन्स भी बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग जो है एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। जियो फोन नेक्स्ट में आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलता है, जिसमें आपको रेयर पैनल पे सिंगल रेयर कैमरा और LED फ्लैश मिलेगा। इस फोन में आपको 5.45 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो कि फुल्ली बेजल के साथ आता है। फोन में आपको डिज़ाइन और डिस्प्ले जो है एवरेज मिलते हैं। रेडमी 9A में आपको 3D यूनिबॉडी डिज़ाइन मिलता है, जो कि स्प्लैश प्रोटेक्शन के साथ आता है। रेयर पैनल पे आपको सिंगल रेयर कैमरा और LED फ्लैश दिया गया है। इस फोन में आपको 6.5 इंच का HD+ डॉट ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और बेजल भी आपको इसमें कम मिलते हैं। रियलमी C11 2021 में आपको ज्योमेट्रिक आर्ट डिज़ाइन मिलता है, जिसमें आपको रेयर पैनल पे सिंगल रेयर कैमरा का सेटअप और LED फ्लैश मिलेगा। फ़ोन के कॉर्नर्स आपको राउंडेड एंड कर्व्ड मिलते हैं। रियलमी C11 में आपको जो है 6.5 इंच का HD+ ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलेगा, जिसपे आपको बेजल कम दिए गए हैं। जियो फोन नेक्स्ट में आपको 1.3 GHz पे क्वाड कोर स्नैपड्रैगन का 215 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि एड्रेनो 308 वाले GPU पे काम करता है। इसमें आपको गूगल की तरफ से ऑप्टिमाइज्ड एंड्रॉयड वर्जन प्रगति ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। परफॉर्मेंस वाइज ये फ़ोन बिलो एवरेज होगा। रेडमी 9A में आपको 2 GHz पे ऑक्टा कोर मीडियाटेक का हेलियो G25 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि एंड्रॉयड 10 पे काम करता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से ये प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया है। रियलमी C11 में आपको 1.6 GHz पे ऑक्टा कोर यूनिसॉक SC9836A वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि एंड्रॉयड 11 पे काम करता है। ये चिपसेट इस बजट में डिसेंट चिपसेट है। जियो फोन नेक्स्ट में आपको 13 MP का रेयर कैमरा मिलता है, जो कि HDR, नाइट मोड और पोर्ट्रेट मोड के साथ आता है। तो फ़ोन में आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। कैमरे से आप जो है फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। रेडमी 9A में आपको 13 MP का रेयर कैमरा मिलेगा, जो कि HDR प्रो मोड और AI फीचर के साथ आता है। तो फोन में आपको 5 MP का AI फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसमें आपको AI फेस अनलॉक का फीचर भी दिया गया है। रियलमी C11 में आपको 8 MP का रेयर कैमरा मिलता है, जो कि HDR पोर्ट्रेट और एक्सपर्ट मोड के साथ आता है। तो इसमें आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा, जिसमें आपको फेस अनलॉक फीचर भी मिलेगा। जियो फोन नेक्स्ट में आपको 3500 mAh की बैटरी दी गई है। तो रेडमी 9 और रियलमी C11 2021 में आपको 5000 mAh की मैसिव बैटरी मिलता है। रेडमी 9 स्मार्टफोन आपको 2GB रैम 32GB रोम वाला वेरियंट ₹7000 में मिलेगा। रियलमी C11 2021 वाला स्मार्टफोन आपको 2GB रैम 32GB रोम के साथ ₹6800 में मिलता है। बात करूँ जियो फोन नेक्स्ट की, तो इस फोन के 2GB रैम 32GB रोम वाला एक ही वेरिएंट आता है, जो कि अगर आप फुल्ली कैश में लेते हैं तो आपको ₹6500 में पड़ेगा। लेकिन अगर आप EMI पे लेते हैं तो हम पकड़ते हैं 1.5GB वाले प्लान यानी लार्ज प्लान को, तो वो आपको ₹2000 स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, और जो आपको बाकी का 24 मंथ है वो आपको ₹450 पर मंथ देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्लान को अगर हम फुल्ली कैलकुलेट करें तो आपको जो है टोटल ₹10800 जो है प्लान के साथ देने पड़ेंगे, और जो एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में आपको ₹2000 दिया था उसके हिसाब से अगर टोटल कैलकुलेट करें तो आपको टोटल फ़ोन का जो है प्राइस ₹12800 होता है। लेकिन हम जियो के 1.5GB वाले 84 डेज प्लान को अगर देखें तो वो आपको ₹555 देना होता है 84 डेज के लिए, जिसके हिसाब से अगर हम 24 मंथ को डिवाइड करें तो आपको 8.5 टाइम जो है रिचार्ज करने पड़ेगा। तो अगर हम 9 टाइम भी पकड़ते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो टोटल आपको जो प्लान है उसका देना पड़ेगा ₹4995। तो दोस्तों, अगर हम 12800 को माइनस करते हैं ₹4995 से,
तो जो एक्चुअल फ़ोन का प्राइस वो बन रहा है आपका 7,800 रुपये के आसपास, जो कि स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों इस बजट में अगर मैं आपको और भी अच्छे स्मार्टफोन बताऊँ जो कि बेटर स्पेसिफिकेशंस के साथ मिलते हैं, जिसमें है नोकिया का C01 प्लस, ये फ़ोन आपको मिलेगा 6,000 रुपीज़ में। वही जियोनी मैक्स आपको मिलता है 6,300 रुपीज़ में। इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 है आपको मिलता है 6,700 रुपीज़ में। आईटेल A48 स्मार्टफोन आपको मिलता है 6,000 रुपीज़ में। और भी कई सारे स्मार्टफोन हैं जो कि आपको अंडर 7,000 रुपीज़ में अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ देखने मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जियो फोन नेक्स्ट ही लेना है तो आप जो है विदाउट फाइनेंस यानी 6,500 रुपीज़ में ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो भी कई ज़्यादा लग रहा है मुझे इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन को देखते हुए। आपका क्या सोचना है जियो फोन नेक्स्ट के बारे में, आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ADT को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स।